हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत सारे अपडेट्स है, जो अगर आप नहीं जानते तो आपको जरूर जान लेने चाहिए। और गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या रूसेव ज्वाइन करने वाले हैं TNA इंपैक्ट, जानने वाले हैं कि क्या ऑल इलीट रेसलिंग ने बैन कर दिया है हल्क होगन को, और NXT और AEW की SV की व्यूअरशिप के साथ साथ आज इस वीडियो में हम ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। और गाइज, फाइनली ऑल इलीट रेसलिंग के अगले स्पेशल इवेंट यानी कि फाइटर फेस्ट की डेट रिवील हो चुकी है, और आज इस वीडियो में हम ये सब बातें करने वाले हैं। तो गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, शुरुआत करते हैं ऑल इलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप से। लेकिन गाइज, हर बार की तरह ही इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे इन दोनों ही शोज के लास्ट वीक की व्यूअरशिप की। और अगर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT को लास्ट वीक व्यूअरशिप मिली थी 731K व्यूअर्स, और वही लास्ट वीक ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट को 827K व्यूअर्स की व्यूअरशिप मिली थी। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज को अपने व्यूअरशिप में बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। और अगर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT को इस वीक उनके व्यूअरशिप में उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 2% व्यूअर्स का नुकसान हो चुका है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 715K व्यूअर्स। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल इलीट रेसलिंग की, तो गाइज यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग को इस वीक उनके व्यूअरशिप में उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले 12% व्यूअर्स का नुकसान हो चुका है। और इस वीक जो ऑल इलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली है वो है 713K व्यूअर्स। गाइज, मुझे नहीं लग रहा था कि इस वीक ऑल इलीट रेसलिंग को 12% का नुकसान होगा, लेकिन गाइज इस वीक ऑल इलीट रेसलिंग को उनके व्यूअरशिप में बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन गाइज, यहाँ पर गौर करने वाली बात NXT की है, क्योंकि गाइज NXT का ये इन योर हाउस पे पर व्यू के लिए गो होम एडिशन शो था, और यहाँ पर NXT की व्यूअरशिप बढ़ने की जगह घट चुकी है। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के रेटिंग वॉर के विनर की, तो गाइज इस वीक भी ऑल इलीट रेसलिंग ने NXT को व्यूअरशिप में हरा दिया है। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं ऑल इलीट रेसलिंग की इस वीक की टॉप 5 रैंकिंग। गाइज, हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल इलीट रेसलिंग ने उनकी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाली है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ऑल इलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन से, तो गाइज ऑल इलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है फिनेलोपी फ्रॉड, नंबर 4 पर आती है युका साकाजी, नंबर 3 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 2 पर आती है क्रिस्ट एटलैंडर, नंबर 1 पर आती है नायला रोज, और गाइज स्टिल है हमारी ऑल इलीट रेसलिंग विमेंस चैंपियन हिकारू सीडा। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन की, तो गाइज यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 4 पर आते हैं जिमी हेवक और किप सेबियन, नंबर 3 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 2 पर आते हैं द नेचुरल नाइटमेयर्स, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स, और स्टिल है हमारे ऑल इलीट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 4 पर आते हैं केनी ओमेगा, नंबर 3 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं MJF, और स्टिल है हमारे ऑल इलीट रेसलिंग TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी और ऑल इलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और इस वीक की ऑल इलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं ऑल इलीट रेसलिंग के स्पेशल इवेंट यानी कि फाइटर फेस्ट 2020 की डेट। तो गाइज, यहाँ पर लास्ट वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने 2020 के स्पेशल इवेंट यानी कि फाइटर फेस्ट की डेट रिवील कर दी है। लेकिन गाइज, यहाँ पर 2020 के फाइटर फेस्ट की डेट बताने से पहले मैं आपको 2020 के फाइटर फेस्ट से रिलेटेड एक स्पेशल बात बताना चाहूंगा कि गाइज 2020 का फाइटर फेस्ट इवेंट किसी एक डेट पर नहीं होने वाला। ये स्पेशल फाइटर फेस्ट इवेंट हमें 2 दिन देखने को मिलने वाला है, और 2020 का जो फाइटर फेस्ट है ये कोई स्पेशल इवेंट यानी कि फ्री में देखने वाला पे पर व्यू नहीं है, बल्कि गाइज अब यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग ने ये अनाउंस कर दिया है कि गाइज फाइटर फेस्ट ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट का हिस्सा होने वाला है। और जुलाई 1 का जो ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो होने वाला है वो डायनामाइट शो कोई नॉर्मल शो नहीं, बल्कि ऑल इलीट रेसलिंग का स्पेशल इवेंट यानी कि फाइटर फेस्ट होने वाला है। और हमें जुलाई 1 को ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की जगह ऑल इलीट रेसलिंग का फाइटर फेस्ट इवेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की तरह ही 2 घंटे का होगा। लेकिन गाइज यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जुलाई 8 का जो ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट एपिसोड होने वाला है वो भी ऑल इलीट रेसलिंग स्पेशल फाइटर फेस्ट ही होने वाला है। और यहाँ पर ये शो हमें रेसलमेनिया की तरह 2 दिन में लगातार देखने को नहीं मिलने वाला, बल्कि गाइज यहाँ पर ये शो लगातार 2 वीक चलने वाला है, जहाँ पर हमें जुलाई 1 के डायनामाइट शो के एडिशन पर फाइटर फेस्ट इवेंट की पहली नाइट देखने को मिलने वाली है, और इसके नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो यानी कि जुलाई 8 के डायनामाइट शो के एडिशन पर हमें फाइटर फेस्ट की सेकंड नाइट देखने को मिलने वाली है। गाइज ऑल इलीट रेसलिंग के लिए ये चीज बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि गाइज लास्ट ईयर ऑल इलीट रेसलिंग ने फाइटर फेस्ट को एक पेपर व्यू इवेंट बना दिया था, लेकिन ये शो कोई पेपर व्यू नहीं बल्कि एक
फ्री में देखने वाला शो था और इससे ऑल इलीट रेसलिंग का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। और इसी वजह से किसी नुकसान से बचने के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने 2020 के अपने डायनामाइट शो की जगह ऑल इलीट रेसलिंग का एक स्पेशल इवेंट यानी कि फाइटर फेस्ट दिखाया है। गाइज, इससे ऑल इलीट रेसलिंग जो पेपर्यू के लिए खर्चा करती थी और बाद में वो पेपर्यू फ्री में दिखाती थी, वो सब खर्चा बच जाएगा। और यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट की जगह सभी फैंस को TNT नेटवर्क पर ऑल इलीट रेसलिंग स्पेशल फाइटर फेस्ट देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग की रेटिंग में बहुत ही बड़ा उछाल आ सकता है, जिससे कि ऑल इलीट रेसलिंग को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। और इस साल के लिए ऑल इलीट रेसलिंग के फाइटर फेस्ट इवेंट के लिए ऑल इलीट रेसलिंग का ये आइडिया कैसा है, ये आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन गाइज, जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि क्या हल्क होगन बैन हो चुके हैं ऑल इलीट रेसलिंग से। तो गाइज, यहाँ पर कुछ दिनों पहले हल्क होगन की एक्स वाइफ, जिनसे अब उनका डिवोर्स हो चुका है, यानी कि लिंडा होगन ने एक ट्वीट किया, वो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर US में जो रेसिज्म पर मुद्दा चल रहा है, उसी चीज पर लिंडा ने ये ट्वीट किया है। और यहाँ पर लिंडा ने लिखा कि ब्लैक अमेरिकन्स को अपनी आवाज सुनानी है तो फिर उन्हें कोई चीज चुरानी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सिविलाइज कर अपनी आवाज उठानी चाहिए। और यहाँ पर लिंडा ने ये ट्वीट जॉर्ज फ्लॉयड को पॉइंट आउट करती हुई किया है। और अगर आप फ्लॉयड की कहानी नहीं जानते तो गाइज, आप YouTube पर सर्च कर देख सकते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की क्या कहानी है। और इसी वजह से US में रेसिज्म का मुद्दा एक बार फिर से उछला है। और यहाँ पर फ्लॉयड को पॉइंट आउट करते हुए लिंडा का ये ट्वीट बहुत ही निगेटिव था। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर इस ट्वीट पर ऑल इलीट रेसलिंग के चेयरमैन यानी कि टोनी खान का रिप्लाई आया। और यहाँ पर टोनी खान ने लिखा कि तुम भी अपने पति जैसे ऑल इलीट रेसलिंग में से बैन हो चुकी हो, कांग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर हम इस ट्वीट से ये जान सकते हैं कि गाइज, यहाँ पर टोनी खान कह रहे हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग ने हल्क होगन को अपनी कंपनी से बैन कर दिया है। और अगर आप नहीं जानते ऐसा क्यों, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइज, हल्क होगन रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम होने के बावजूद भी हल्क होगन ने WCW और TNA जैसे बहुत ही बड़े कंपनियों को बर्बाद किया है, जबकि वो TNA और WCW जैसे कंपनियों के लिए काम करते थे। और वो ऐसे कि जब हल्क होगन इन कंपनियों के लिए काम करते थे, तब यहाँ पर TNA और WCW कंपनियों के लिए काम करते हुए हल्क होगन ने पूरी की पूरी कंपनी को ही टेक ओवर कर लिया था। और पूरी कंपनी में जो हल्क होगन चाहेंगे वही होता रहा, जिससे कि फैंस ने परेशान होकर आगे WCW और TNA इन दोनों ही कंपनियों को देखना बंद कर दिया। और यहाँ पर इसी सेम चीज से बचने के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने हल्क होगन को अपनी कंपनी से बैन कर दिया है। और मेरे हिसाब से तो ये चीज बहुत ही सही चीज है। लेकिन गाइस, जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की, और गाइस जानते हैं कि क्या रूसेव जाने वाले हैं TNA इंपैक्ट में। गाइस, यहाँ पर TNA ने कुछ दिन पहले अपने तरफ से एक वीडियो शेयर किया था, और गाइस ये TNA के अगले पेपर्व्यू यानी कि स्लैमिवर्सरी 2020 का टीजर वीडियो था। लेकिन गाइस, यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाली बात ये थी कि गाइस, इस वीडियो में TNA इंपैक्ट ने रियल लाइफ में WWE ने जो सुपरस्टार्स रिलीज किए हैं उनको इस वीडियो में TNA ने मेंशन किया है। और यहाँ पर इस वीडियो में हमें WWE के कुछ रिलीज हुए सुपरस्टार दिखाई दिए, और ये थे डॉग गैलोज, कार्ल एंडरसन, एरिक यंग, माइक एंड मरिया केनेलिस, EC3 और एक रशियन फ्लैग। और TNA इंपैक्ट ने अपने अगले पेपर्व्यू के लिए ये टीजर वीडियो निकाला है, जो कि हमें इसी साल जुलाई 18 को देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज, इन रेस्टर्स का जो नॉन कॉम्पीट क्लॉज है वो जुलाई 16 को खत्म होने वाला है। तो गाइज, यहाँ पर काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि गाइज, TNA ने जो सुपरस्टार दिखाए हैं वो सुपरस्टार हमें TNA कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में एक रशियन फ्लैग था, जिस वजह से काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें रूसेव भी TNA कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और TNA के बैकस्टेज से ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि TNA ने इन सभी सुपरस्टार्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए हैं और यहाँ पर निगोशिएशन चल रहा है। लेकिन गाइज, अब तक हमें ये नहीं पता कि ये रिपोर्ट सही है या फिर गलत, क्योंकि गाइज मुझे नहीं लगता कि रूसेव उस कंपनी में जाएंगे जिस कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू अभी ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी से काफी कम है। और यहाँ पर सेम चीज बाकी सारे सुपरस्टार्स के लिए है। लेकिन गाइज, कुछ रेस्लर है जो कि आगे चलकर TNA कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो रेस्लर कौन से होने वाले हैं, तो गाइज आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर एक वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने WWE के रिलीज किए गए सभी सुपरस्टार के बारे में बातें की है और बताया है कि कौन से सुपरस्टार हमें कौन सी कंपनी में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि TNA की तरफ से ये एक चाल है, जिससे कि TNA की तरफ भी थोड़े फार फैन अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन गाइज, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते और अब देखते हैं कि ये सुपरस्टार कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हैं। लेकिन गाइज, आज की वीडियो यही तक थी और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। हे, डिड यू लाइक दैट वीडियो? क्लिक द स्क्रीन फॉर मोर। And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?